आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 23 दिसंबर 2020 का जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप लिमटी खरे से समाचार सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में बनाई गई स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंग उत्तर दक्षिण गलियारे में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लखनादौन के समीप मंडई के टोल प्लाजा के स्थान पर अलोनिया में टोल प्लाजा संचालित किया जा रहा है। यह टोल प्लाजा अनेक दुर्घटनाओं को जन्म दे रहा है। इधर सिवनी से नागपुर के बीच मोहगांव से खवासा तक फोर लेन के निर्माण कार्य के चलते यहाँ रात के समय वाहनों की आवाजाही अघोषित तौर पर प्रतिबंधित कर रखी हुई है। अलोनिया टोल प्लाजा में अव्यवस्थाओं के कारण बार बार हो रहे हादसों के बाद भी प्रशासन एवं एनएचएआई के अधिकारी नहीं जागे हैं। यही वजह है कि सोमवार की शाम टोल प्लाजा में एक बार फिर दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। इस मामले में स्थानीय भाजपा विधायक दिनेश राय ने एनएचएआई पर निशाना साधते हुए व्यवस्थाएं बनाने की बात कही है। अलोनिया टोल प्लाजा में 3 माह पहले सितंबर माह में इसी तरह का एक हादसा हुआ था। इनमें मजदूरों से भरा एक तूफान वाहन अलोनिया टोल प्लाजा में खड़े एक टैंकर से जा टकराया था। इस दुर्घटना में 3 लोग कालकल्वित हो गए थे, वहीं 11 अन्य लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद भी खामियों को दूर करने के प्रयास नहीं किए गए। सिवनी जिले के बंडोल थाना पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस स्थान पर अलोनिया टोल नाका बनाया गया है वहां पर नाके से कुछ दूर पहले सड़क पर चढ़ाव है। इसके बाद नाके तक तकरीबन 0.5 किलोमीटर तक ढलान है, इससे वाहनों की रफ्तार बढ़ जाती है। सूत्रों का कहना है कि नाके के पहले स्पीड ब्रेकर नहीं है, इसके कारण टोल नाका जब तक टोल नाके पर वाहन पहुंचता है उसकी गति काफ़ी अधिक होती है। इसके कारण चालक गति व कार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तय मानकों के हिसाब से नहीं बने होने के कारण टोल नाके पर लगातार हादसे हो रहे हैं। हाल ही में एक दुर्घटना में 5 लोग कालकल्वित हो चुके हैं। कहा जा रहा है इस हादसे के पीछे कहीं ना कहीं शाम 6 बजे के पहले मोहगांव से खवासा के बीच सड़क के हिस्से में प्रवेश की बात भी चालक के दिलो दिमाग में रही होगी। यही कारण रहा होगा कि चालक द्वारा वाहन को तेज गति से चलाया जा रहा होगा। यह हादसा शाम लगभग 6 बजे के आसपास हुआ है। मांग की जा रही है कि मोहगांव से खवासा तक के हिस्से में 2400 घंटे यातायात सुचारू बनाए रखने के संबंध में जिला प्रशासन सिवनी और एनएचएआई को सूचना जारी करना चाहिए। एक आत्मनिर्भर देश ही विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होता है। 21वीं सदी भारत की हो, इसी लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के समग्र विकास के साथ विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बने, इस ओर एक बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है। कोई भी देश अपने संसाधनों एवं स्वयं की शक्ति से ही मजबूत और विकसित होता है। हमारी सरकार तेजी से इसके लिए कार्य कर रही है। लोकल फॉर वोकल हो अथवा रक्षा उत्पादों का निर्माण, हमारी सरकार निरंतर इस ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हुई हैं जिससे हमारे देश के युवा विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनकर स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। उक्ताशय की बात बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन द्वारा बंडोल एवं सुखतरा मंडल में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही गई। श्री बिसेन ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद देश की सुरक्षा को चुनौती देने वालों को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया गया है वरन देश के अंदर एक मजबूत सुरक्षा तंत्र खड़ा किया गया है। आज भारत के विश्व में मजबूत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। भाजपा अपनी एक समृद्ध राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है। अपने वचनों को पूरा करना और भारत को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित करना, यही भाजपा का मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष और प्रभावी चुनाव व्यवस्था के तहत स्थानीय निकायों के चुनाव करवाए हैं,
उससे देश का लोकतंत्र, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता प्रमाणित हुई है। उक्ताशय की बात भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं कुरई मंडल में चल रही कार्यशाला में वक्ता के रूप में उपस्थित संतोष अग्रवाल द्वारा कही गई। श्री अग्रवाल ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहला अवसर रहा है जब जम्मू कश्मीर में बिना किसी भय आतंक के चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसे लोगों ने न केवल मन से स्वीकार किया है बल्कि विकास के नए सपने संजोते हुए उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर ऐतिहासिक मतदान किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की परंपराओं को ठुकरा कर यह प्रमाणित भी किया है कि वे अब भय और आतंक के साए में नहीं रहना चाहते। श्री अग्रवाल ने कहा कि कश्मीर के युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों और कार्यों से प्रभावित होकर जम्मू और कश्मीर को विकास की राह में आगे बढ़ाने के मार्ग प्रशस्त किए हैं। यह भाजपा की एक गौरवशाली उपलब्धि और उन विरोधियों के मुंह पर तमाचा है जो धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के जलने और तिरंगा उठाने वाले के हाथ काटने की धमकी दे रहे थे। उर्वरक प्राधिकृत अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मोरिस नाथ द्वारा साहू कृषि केंद्र लुगरवाड़ा से लिए गए निर्माता कंपनी एग्रो फर्टिलाइजर एवं बायो केमिकल के उर्वरक जिंक सल्फेट लॉट नंबर 719 जनवरी 2020, निर्माता कंपनी कोरो मंडल इंटरनेशनल के अमोनियम फास्फेट सल्फेट के लॉट नंबर निरंक दिसंबर 2020 तथा निर्माता कंपनी फर्टिस इंडिया लिमिटेड के एनपीके उर्वरक के लाट क्रमांक बैच नंबर 133 के नमूनों की जांच में अमानक स्तर का पाए जाने पर उर्वरक के लाट को तत्काल प्रभाव से क्रय विक्रय एवं भंडारण हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हेतु जिला सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक का आयोजन कलेक्टर की अध्यक्षता में 24 सितंबर को दोपहर 11:30 कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित किया गया है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसी मेशराम द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गत 22 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सिवनी नगरी क्षेत्र में 2, कुरई में 3, छपारा में 1 पॉजिटिव मरीज सहित कुल 6 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं 9 मरीज पूर्णतः स्वस्थ हुए हैं। अब तक जिले में कुल 51,416 संदिग्ध व्यक्तियों के नमूनों की जाँच हेतु लिए गए, जिसमें से 1460 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से 1408 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के 42 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 38 मरीज होम क्वारंटाइन हैं, जिनकी मॉनिटरिंग कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के द्वारा की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके परिपालन में शासकीय अधिकारी कर्मचारी द्वारा अपने अपने कार्यालय में 24 दिसंबर को सुशासन की शपथ ली जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी पवन कुमार शर्मा के मार्गदर्शन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी सीके बारपेटे के निर्देशन में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती दीपिका ठाकुर की उपस्थिति में बुधवार 23 दिसंबर को किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन बरघाट तहसील के शासकीय माध्यमिक शाला लोहारा में किया गया। कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सिवनी के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बायोगैस संयंत्र निर्माण योजना, किसान मानधन पेंशन योजना, जैविक खेती से कम लागत में अधिक लाभ कमाते हुए खेती को लाभ का धंधा बनाने के उपाय, वर्मी कंपोस्ट, सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी परीक्षण योजना से लाभ, जैविक कीटनाशी बनाने की विधि व उपयोग की जानकारी से अवगत कराया गया। राजस्व विभाग के मैदानी अमले द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, रवि फसल गिरदावरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा की विस्तृत जानकारी दी गई।
गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2020-2021 की सभी कक्षाओं का बकाया शिक्षण शुल्क सत्र के अंत तक पालकों की सुविधा के अनुसार एकमुश्त या किश्तों में ले सकेंगे। नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा की कक्षाएं नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। इन कक्षाओं के संबंध में संचालित की जाने वाली गतिविधियों के लिए भी जनवरी से सत्र के अंत तक फीस ली जा सकेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर, संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 4 नवंबर 2020 को दिए गए अपने निर्णय में निर्देशित किया गया है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत शिक्षण सत्र 2020-2021 में शासकीय विद्यालयों द्वारा शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क प्रभारित नहीं किया जा सकेगा। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए आगामी आदेश तक अशासकीय विद्यालय कोई शुल्क नहीं वृद्धि नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाएगा। वेतन 20% से अधिक कम नहीं किया जा सकेगा और कम किए गए वेतन स्थिति सामान्य होने पर सामान्य किश्तों में 6 माह में लौटाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन की अवधि में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के संबंध में समय समय पर जारी निर्देश लॉकडाउन अवधि के लिए जारी किए गए थे। वर्तमान में सभी क्षेत्रों में सशर्त अनलॉक की अनुमति दी गई है। अनलॉक की प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न कार्यालय, उपक्रम तथा सेवाएं आरंभ हो चुकी हैं। इसलिए पालकों से ये अपेक्षा की गई है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्देशित शुल्क नियमित रूप से जमा कराया जाए। आम जनता से मिल रही शिकायतों को लेकर बुधवार को अपराह्न 11:30 बजे सिवनी भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा बस संचालकों द्वारा यात्री बसों में यात्रियों से अधिक किराया वसूली किए जाने के संबंध में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में सिवनी भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कहा कि जिले में बस संचालक कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तथा बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाकर उनसे दोगुना किराया भी वसूल रहे हैं। इसका हमारे जिले के स्कूली छात्र छात्राओं के ऊपर भी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसकी वजह से आम जनों एवं छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिवनी विधायक दिनेश राय ने कहा कि शीघ्र ही बसों में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराना एवं दोगुना किराया वसूली को रोकना आवश्यक है, जिससे यात्री निर्धारित किराया देकर कोरोना काल में सुरक्षित यात्रा कर सकें। इसके साथ ही सिवनी विधायक दिनेश राय ने टोल प्लाजा के पास हो रही दुर्घटनाओं पर भी जिला कलेक्टर को अवगत कराते हुए कहा कि टोल के आसपास दोनों ओर लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं ताकि टोल पहुंचने के पहले वाहनों की गति कम हो सके और दुर्घटनाओं पर विराम लग सके। दिनेश राय के ज्ञापन के उपरांत जिला कलेक्टर द्वारा तत्काल ही अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को यात्री बसों की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में बुधवार 23 दिसंबर का जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 24 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है हर वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE.com इसके बाद डॉट लगाकर COM YouTube.com आप खोलेंगे, YouTube आपका खुल जाता है। YouTube में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे
खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है बेल को आप पुश करिए, बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा ये खुल गया, इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोज़ जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9425011234, 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।